अगले दिन मैसेज आया फोन पे, स्प्लिट्स विलेंस, इट्स टाइम नाउ टू गो आउट ऑन योर डेट्स एंड कैच योर मैच। जो लड़की जीती है और जिस लड़के के साथ जीती है उसके अलावा एक और लड़के को भी वो अपने साथ डेट पे लेके जा सकती है। मेरी घंटियां बज गई थी जब स्टेफी और बसीर का नाम था, तो आई लाइक ओके व्हाई। मैं स्टेफी के साथ डेट पे जाने वाला था, एक रात पहले ही मेरी और स्टेफी की बहस हो चुकी थी विला में। हमारी जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं स्प्लिट्स विला में, इट वाज बसीर। मुझे पता था कि भाई आज तो घमासान युद्ध होने वाला था। मैंने रिपू को बचाया था एक्टिविटी में, सो रिपू के साथ तो डेट में जाना ही था, और सेकंड ऑप्शन मैंने मैरी को चूज किया। तो इधर ईशा आई, बहुत हॉट लग रही थी। हाय बॉयज, हाय, व्हाट्स अप? ये पहली बार मिले। बस बस बस, दूर हो जाओ, मैं आ गया। क्यों भाई क्यों, तू दूर हो जा, तू दूर हो जा। मैडी का जो कनेक्शन इस विला में सिर्फ ईशा है, मेरा पर एक ही काम था कि इस कनेक्शन को मैं तोड़ूं, क्योंकि मैडी का कनेक्शन मैं कभी बनने नहीं दूंगा। इसने मुझे बचाया है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करेगी, ऑब्वियसली करेक्ट, मैंने देखो चूज किया था। ओके क्या बात ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में इस बाल की दुकान पे लड़की पानी में कभी देखी नहीं। इधर आ, दूसरों के सामान पर ऐसे नजर नहीं डाल। क्या सामान? सामान बोल रहा है इसको? आई थिंक तू उधर गलत गई है, तू उधर गलत गई, इधर आ, इधर गलत नहीं हूं यार, ब्यूटीफुल गर्ल। वीपीयू ईशा को कुछ पट्टियां पढ़ा रहा है। अब हमेशा की तरह ईशा मासूम सी लड़की उसकी बातों में आ गई। सही है बेटे, सही है। डू यू लव इट? नाइस। आर यू एंजॉयिंग इट? आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच ब्रो, शी इज रियली ब्यूटीफुल। मैडी पागल हो चुका था क्योंकि उसका कनेक्शन और वो मेरे साथ है। छिछोरे ने अपनी हरकतें दिखाई, उससे मेरा हो गया दिमाग खराब। रिपु अगर तू बाहर होता ना यहाँ से, तो तेरे दांत ना पेट में पहुंचा देता मैं। हम दोनों की ऑफिशियल पहली डेट थी स्प्लिट्स विला की, तो वी जस्ट वांटेड टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। वाज बेबी What? I really, really want to be with you throughout, till the end. And that I'm like damn sure that, you know, we'll go in front of the Oracle and we'll definitely be the ideal match. We had our first kiss on that date, which was really cute. और मैं इसको हमेशा याद रखूंगी। I had to go on a date. एक compulsory लड़के के साथ था, बस बसीर। मैंने कहा कि आन दो, आज बकवास करेगा ना, चमाट मार देना उसको, मैं चुप नहीं रहने वाली। Hi, बसीर, how are you? Beautiful. I'm good. I'm good. Please sit. I like the dress and the color on you. I like you. Thank you. So firstly, I wanted to start with an apology. पहले ही जाते मैंने एक chivalrous gentleman की तरह मैंने apology मांगी। हमारे बीच एक छोटी सी argument हुई थी। छोटी नहीं थी। Yeah, could be a little big. At least I appreciate कि उसको अपनी गलती realize हुई, तो I was like ठीक है चलो sorry बोला, I will talk to him now. Just to clear things out with you, I'll tell you हुआ क्या था। टॉकिंग है निविदिता मुझसे पूछती है कि तो आगे अगर नहीं हुआ रिपू, बिकॉज यू नो ऐसा नहीं लगता कि आई सेड आई थिंक इट्स बसीर, आई फील लाइक दैट बिकॉज हमारे में काफ़ी सिमिलैरिटीज है, नेचर काफ़ी सिमिलर है, बट आई विल नॉट गो एंड अप्रोच हिम बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट नैना टू बी इनसिक्योर। नाउ आई गेट इट, दिस वॉज द टॉपिक, दिस वॉज वॉट वी स्पोक अबाउट। हमारे बीच में थिंग्स सॉर्ट हुए इन अ वे। आपको जीतना भी है एंड आई एम श्योर यू वांट टू सिट देयर, बी सेफ। आल्सो आई वांट टू परफॉर्म, इफ यू थिंक आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए फॉर द टास्क,
Anyway, see, challenge ke baad. Nahi, performer, trust me. If I ever choose you over Rippu, it'll not be based on performance because he's also a good performer, you're also a good performer. The only fact that mere dimag mein pata hai mujhe that I Oracle ke saamne jaakar haan Oracle aapke liye bolega mujhe aisa zyada lagta hai. Maybe that may be the reason I would want to choose you. So I just wanted to ask you ki what you want to do. Are you aap clear ho jo aapko chahiye is game se ya fir aapko sirf Naina chahiye? Naina aur main, of course hum log ideal couple to hai nahi. Haan. Aur hum log definitely connected hain. But I want to play the game right. और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाऊँ. So I would request you कि आप मेरा नाम ले performance के time, so that at least we get a chance to go there and find out if we actually are the ideal match. He was like, I want to perform with you in the thing, and I was like, talk to Naina first and let me know about this, and then I will make my decision. लोकेशन पे पहुंच के हम देखते हैं कि वहाँ कुछ पोल्स हैं, उनमें रिंग्स लटके हुए हैं और एक साइड पे चार बैम्बूज रखे हैं। कल आप चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Now it's decision time. I will start with Ritu. Who do you pick? Akash. Next is Alicia. Me. So simple. Shah. Rippu. जब ईशा ने मुझे चूज किया, मैडी का मुंह पूरा अपसेट हो चुका था. स्टेफी. बसीर. As expected. बसीर. मेरी जान तो जल ही रही थी. That is my place. I stand with him. Naina biti jaye. They actually look alike. As in, they look like a couple. They're wearing black. Yeah. Dark glasses. They got. I'm still here. हाँ? तू आके यहाँ से देखना. तू आ. अच्छा देखेगा वहाँ से. आ जा जल्दी. And I felt so insulted. मतलब वो मजाक चल रहा था, पर कहीं ना कहीं I was hurt. You look like a couple. Black. Stripe. Shades. Smile, both of you. Get it, smile. Like a couple. Ben bhai. नहीं भाई बहन लगते हैं. I was like, it's okay. लेके जा अपनी गोदी में रख. आज का जो चैलेंज है इस टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज का नाम है रिंग अ डिंग डोंग. बहुत सारे रिंग्स हैं और बहुत सारे डिंग. I think they come up with the best of names. They're hilarious. Siddhar aur Akshita ek wo bamboo uta ke lao. Isko apni taangon ke beech mein dal do. Oh shit. Now, ladko ko bina haath lagaye jitne sare rings hain wo collect kar le. Lekin obvious si baat hai, bina haath lagaye kaise honge? प्लीज हेल्प करिए, पीछे से पकड़िए उसको. नाउ यू हैव टू गेट अ रिंग. चलो जाओ एक रिंग लो. यस, अभी इसको जाके आपको वहां पर जो बास्केट है उसमें रखना है. इतना इजी होता तो हम यहाँ पे नहीं होते. आप चारों बॉयज also blindfolded ho gaye. Whoa. Girls, jab aap log ye challenge kar rahi hongi to aapke muh pe tape bandhi hogi. Ladke dekh nahi sakte, hum bol nahi sakte.
समझ क्या रखा है आप लोग ने? कैसे हो सकता है ये? You can't say आगे पीछे इधर ऊपर दाएं बाएं left right. You have to just steer them. To steer them. But there could be some problems. Let's be honest. This is my favorite part. There could be some problems. Like something goes one direction, something goes another direction, something gets. Let's do a Nachiket. 1, 2, 3. But you can't go. You can only say one thing, which is. Ding dong. Ring a ding. ये आपके तोड़ने की पूरी ताकत रखता है ये वाला चैलेंज। मैंने कहा भाई आज तो कुछ होने वाला है, आज बिना दर्द के हम नहीं जाने वाले। सबसे अच्छी चीज है that three couples will get to move forward. Wow. Let's get ready. आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं। Are you guys ready? No. Go. Start होते ही पता नहीं स्टेफी को क्या हुआ, बस पीछे से आवाजें निकालती जा रही थी। Ding dong, ding dong. प्रॉब्लम वाज मेरे हाथ एकदम लास्ट में बंधे हुए थे, मुझे रिंग्स दिख नहीं रही थी, और जब मैं शिफ्ट हो रही थी बसीर को लग रहा था इधर जाना। डिंग डोंग क्लियर हो गया था कि इसमें सबसे ज्यादा बसीर को चोट पहुंचने वाला है। स्टेफी फ्रस्ट्रेट हो जा रही है। डिंग डोंग डिंग डोंग यू कुड फील इट, बसीर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। स्टेफी पता नहीं लगी पड़ी है क्या कर रही है, क्या कर रही है। अरे he can't see. तुझे करना है जो करना है, you're not making efforts to do it. Come on guys, time's running out. 4 minutes left. सबसे ज्यादा फनी था हनीत और अलीशा। Oh my god. अलीशा हमेशा चुप चुप रहती है, टेप बांधो तो इतनी आवाज कर दी उसने। हनीत ने ब्लाइंड फोल्ड लगाया हुआ है, वो बेसिकली अंधा एक्ट कर रहा है। वो आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। अलीशा स्टर हिम, डोंट लूज योर काम, स्टर हिम। पीछे से मोहित भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि हनीत कुछ ऑपोजिट ही जा रहा था। इससे बच के रहना, आंखों पे पट्टी बांध के, मतलब मैं तो अंधा यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने पोल्स हैं, ये नहीं कि बिल्कुल आंख बंद है मैं एक्साइटमेंट में अपने आप को ही मार लूं। डिंग डोंग डिंग डोंग बोला, डिंग डोंग लगी होगी। पहले तो उस बैम्बू को रिंग में डालो, फिर नीचे बैठो। मुझे डर लग रहा था कि कहीं लग ना जाए आकाश को। वेल डन वेरी गुड, टाइम्स रनिंग आउट। पहली दो रिंग्स हम दोनों ने निकाली और मैंने सोचा लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, पहले इन दो को हम डाल के आ जाएं। वेरी गुड रितु, वेरी गुड, वेरी गुड रितु। जब रिंग्स बास्केट में डालने थे दैट वाज द टफेस्ट टाइम, बिकॉज़ मैं मुझे बेंड होना पड़ रहा था और वो बहुत पेनफुल था। वेरी गुड रितु। अलीशा गो इजी। हनीत और अलीशा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त। गो टू द नेक्स्ट वन। Come on! Come on, guys! Well done! Very good! Come on! Say it! Same strategy! रिपु ने जितनी फेंकी थी ना, जितनी लपेटी थी ना, वो सर नीचे गिरी। I was like, ये क्या हो रहा है? जनवरी का सोचूं सैया जून पे पहुंच गए। कम्युनिकेशन का इतना प्रॉब्लम था। एक बात तो लगा भी, शायद मैरी होता तो भाई मैरी शॉर्ट है हाइट में, तो यू नो मुझे आगे कुछ दिखता। मेरे को ईशा की शक्ल पे दिख रहा था कि बस वो शायद अभी नीचे से वो बम्बू छोड़ देगी और पहले के 2 मिनट शायद हमने कुछ नहीं किया था एंड आई वाज लाइक ड्यूड लास्ट वाले बम्बू के पास जाओ, पिक समथिंग एंड जस्ट पुट इट।
मैंने एक रिंग उठाई फाइनली आई रैन बिकॉज मुझे एक और रिंग उठानी थी रन 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 I was like just pissed off right there. Pick one and drop that net. Shift to the next one if required, yeah. Let it be. Let it be, Steffi. Pick the next one, won't you? I just knew कि you know अगर एक दो भी हो जाते पांच मिनट में it's enough. तो बाकी लोगों की भी सेम हालत थी. It was very difficult. Oh, freak! And it fell out of the bucket. I was like so disheartened. Because मैं 3 मिनट वेस्ट कर चुकी थी कि मैं वो रिंग कलेक्ट करूं. Come on, बसी भाग. बसी भाग. Steffi, come, direct properly. I got it. Yes. I tried my best. एक और रिंग उठाई. Came back. Careful. Nice. Yeah. Yes, nice one. आकाश और रितु जिनको मैं नहीं चाहता था कि वो गेम में आगे जीते वो बेसिकली कमाल का परफॉर्म कर रहे रितु ने बहुत अच्छे से मेरे को कंट्रोल किया बहुत So I managed to maneuver it and managed to get just 2 in my basket. बहुत कम टाइम बचा था एंड आई न्यू इट कि at least 2 रिंग तो मिनिमम होनी है एक से कुछ नहीं होने वाला था 10 seconds. Come on, guys. 5. Steffi, can't do it. 4. 3. 2. 1. Stop. हमें पता चलता है कि हमने 5 रिंग्स कलेक्ट करे हैं which was the highest. वही चीज प्रूव करती है कि रितु और मेरा कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है जहां दूसरे कपल्स अलीशा हनीत और बसीर और स्टेफी ने दो दो रिंग्स कलेक्ट करके सेकंड पोजीशन लिया और हम तीनों कपल्स आगे जाने वाले थे मैं बहुत ही ज्यादा खुश था एंड हम दोनों को अपने में पूरा भरोसा था दैट वी कैन बी द आइडियल मैच इन फ्रंट ऑफ द ओरेकल अब असली चैलेंज हम लोगों का शुरू होने वाला था क्योंकि एक तरफ थे हनीत और अलीशा और एक तरफ थे स्टेफी और बसीर पावर दो जगह है हाँ बोल अनसेफ जोन वाले और वोट्स ना और वोट्स क्या आइडियल कपल हाँ आइडियल मैच हाँ तो अनसेफ में कौन कौन है पूरा अपना ही अपने जो जोड़ीदार है ना सब अपने अनसेफ में सारे वोट्स अपने पास ही हैं श्योरिटी ये थी कि मुझे और स्टेफी को मैक्सिमम वोट्स मिल रहे थे कोई नहीं चाहता था कि हनीत और अलीशा आगे जाए ना ही कोई चाहता था कि रितु और आकाश आगे जाए वी हैव काउंटेड द वोट्स ऑन आवर एंड वी हैव लाइक 6 वोट्स मी एंड स्टेफी हैव द चांस टू गो टू द ओरेकल आज वोट शुड बी I don't know. You want me to go? I am asking, do you want me to go? Because see, if I don't go, according to the news, they want you to send you out. What's the point of me being here? Being here? Don't talk. No, yaar. No, but that doesn't make sense. तुम लोगों को लगता है तुम आइडल कपल हो यार तुम आइडल कपल बन जाओगे तुम नहीं चाहते हो तब भी तुम आइडल कपल बन गए मैं यहाँ पे क्या करूंगी मैं पागल हूँ क्या यहाँ पे ताने उसने बहुत ही बुरा रिएक्ट किया एंड आई डिडंट लाइक इट यू वांट टू कंटिन्यू दैट एक्सपेक्टेशन दैट शी हैज विद यू देखो उसको हर्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि यू आर अंडर प्रेशर दैट शी इज गेटिंग अपसेट एंड एवरीबॉडी इज सीइंग दैट एंड उनको लगेगा कि तू ऐसा इंसान है और तू पर्सनली खुद नहीं करना चाहता आई वाज लाइक व्हाट द आई मीन सीरियसली लास्ट मोमेंट पे जब तू सेफ हो चुका है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कहता है कि नहीं मैं तेरे साथ ओरेकल के सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि तेरी बंदी को बुरा लग रहा है तो परफॉर्म ही नहीं करना चाहिए था ना मैं रिपू के साथ चली जाती मेरा चांस वेस्ट नहीं होता तेरे को याद है वो टाइम जब तूने बोला था नैना के साथ तू इसलिए वोट चाहता है मेरा क्योंकि तू क्लियर करना चाहता है कि नैना तेरी है कि नहीं आइडियल मैच एंड सो दैट यू कैन गो अहेड विद अदर पीपल ऑफ कोर्स बट दैट डे द मोमेंट ओरेकल सेड कि नहीं है I felt something, man. It was like a rush, and that day, trust me, before even Oracle ke paas jaane se pehle, jab hum dome ke bahar khade the, andar jaane se pehle, you're telling me to aur kisi ladki ke saath try nahi karega dome ke saamne. Hum bhi yahan pe hain, tu bhi yahan pe hain, hum dekhte kya hota hai. Bahut pyar hai na, Naina se dekhte kya hota hai. Naina,
I listen to you. I told her we're not going to the auditorium. I am not going to ask for votes. I don't want to go see the auditorium, okay? We're done with that. No more switching, no more voting. I'm going to forget about the whole part about winning this show. स्टेफी और बसीर जो मैं पता था कि किसी को कन्विंस नहीं करेंगे तो जो मेन फाइट होने वाली थी वो अलीशा हनीत और मेरे और रितु के बीच में होने वाली थी। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, क्योंकि आप लड़की और आप में से ज्यादा क्लोज है, सिद्धार्थ से मेरा ज्यादा नहीं है इतना। वापस अब वो सिचुएशन आ गई है, पावर आप लोगों के हाथ में और मैं रियली डिसअपॉइंट होंगी इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि हमें चांस मिलना चाहिए। नहीं, क्योंकि वी डिजर्व। मैंने और आकाश ने पूरी मेहनत की, बहुत एफर्ट्स डाले, सबको जाके कन्विंस किया कि प्लीज प्लीज वोट फॉर अस। See, it's think about against, right? It's against someone. Hopefully. Yeah, I know, but see the other options. Ritu and Akash are dangerous, and you know that. They're already planning to vote you out. Ritu and Akash, they're very competitive, but what they forgot is that they have been quite mean to people. So, sab log ki trust unse chali gayi. Par main Harit ne bas ek hi cheez bola. Vote for who you think deserves it. Welcome to MTV Splitsvilla Season 10. जितने भी यहाँ पे आप लोग हो, you're hoping कि आपको आज मौका मिले यहाँ पे आने का. Everybody's hoping. Yep. Yes. These couples are like smiling and saying yup, yup, yup. They're beaming. That one is like Steffi. What happened? As such, कुछ हुआ नहीं, but हाँ, बसीर नहीं चाहता कि हम वहाँ पे जाएँ तो. मैं होप कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी है, नॉट बिकॉज आई हैव अ कनेक्शन विद हिम. तो मेरे को लगता है मेरा चांस मिस हो गया. ये आपको पिछली बारी पता लग गया था, सबके सामने बोला था. He said on the date. Date आज हुई है. डेट से पहले मैंने जब नैना से बात की थी अबाउट गोइंग टू द डेट, कि अगर स्टेफी से मेरी बात होती है एंड थिंग्स सॉर्ट आउट, हम आगे परफॉर्म करेंगे और अगर हम जीतते हैं तो हम ओरेकल तक जाएंगे. ये पहले डिसाइड हुआ था. अब हमारे पास दो माने का मौका था. जब मैं नैना के पास गया एंड शी वॉज वेरी अपसेट, एंड मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने क्लियरली मुझे बताया कि यस आई एम गेटिंग हर्ट. और मैंने स्टार्टिंग में क्लियरली कह दिया था कि आई विल नॉट हर्ट हर, और इफ इट वॉज नॉट इवन नैना और कोई और लड़की होती, मैं कभी किसी को हर्ट करके आई अपोलोजाइज टू यू चैलेंज के बाद भी कि आई एम इन अ वेरी बैड सिचुएशन एंड आई कैन नॉट हर्ट हर. Because हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. हमारी भी बात हुई थी और मैं आपसे बहुत ज्यादा क्लियर थी इस बारे में. हाँ, I am not saying कि कुछ क्लियर नहीं है. I am even saying कि बसीर ने ये भी बोला कि वो मेरे साथ ही नहीं, वो किसी भी लड़की के साथ ही जाना. For that, I respect him. I am just feeling bad for myself. अगर मुझे इस बात का आके अपने आप के लिए बुरा लगने के लिए तो आई एम जस्ट फीलिंग बैड फॉर माय सेल्फ. आप परसों यहीं पे थी स्टेफी, आपको पता है क्या हुआ था? सॉरी. या बट इट्स ओके फॉर हर टू फील बैड, शी परफॉर्म. पहले यहाँ पर बैठे ऑप्शन है. वेल, आज हमारे पास भी आप लोगों के लिए, सबके लिए ऑप्शन है. आइडियल मैच. आज आपके पास एक यूनिक पावर है और एडवांटेज है. आप अनसेफ स्प्लिट्स विलन्स में से एक लड़के और एक लड़की को सेव कर सकते हैं. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सिर्फ. जब लास्ट टाइम आप डेंजर में थे, जब रितु और आकाश ने आपको वोट आउट करने वाले थे, आई थिंक दैट टाइम मैं उस जगह पे था और मैंने आपको बचाया था. सो आई एम नॉट टेलिंग मुझे बचाओ, बट मुझे चांस दो कि मैं सेव हो सकूं. मैं चाहता हूं सिद्धार्थ और अक्षता, हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हमने आज तक एक दूसरे का सपोर्ट किया है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे और निबी को एक बार ओरेकल के सामने ज़रूर आना है. लग रहा है कि वी आर द आइडल कपल, सो इफ यू कैन प्लीज सेव अस आई विल बी रियली ग्रेटफुल.
But I want to know, you want yourself and Nibby to head over there, not you and Divya? No, it's nothing like that. Divya and me, if we sit there, then it won't make any sense that we come in front of Oracle and we already visit. Today, it's just safe. Whoever will be safe, they won't go to Oracle in front of Oracle. I mean, without effort, they didn't have Oracle straight to challenge or anything. They can only save you because they have the power. And that's all we had said. Yeah. Was just to save. If I can change my... because I didn't know that we are going or not in front of the Oracle. I would like to say myself, I would like to give the reason that I want you to save Divya and me. Because I have known that Divya and you are unsafe. And मुझे पता है यहाँ पे निबी के दोस्त काफी हैं तो मैं उस हिसाब से सीधा सीधा इस वक्त you know I'm strategizing to be very honest and I can't lose her for sure I cannot. Are you sure? Yes, definitely, ma'am. But I don't understand. Can you just clarify what is going on? Because none of this is making any sense. You're here, you're here, you're there, you're wherever. Actually, मैंने प्रियंका से ये चीज़ कहा भी था that I feel a little bit unsafe today, और मैंने ये चीज़ उनसे discuss भी की थी. So I think based on that. But I want to know why is Divya always second? Oh, हर बार second क्यों है? No, ma'am, that's not the case. I don't see this girl always sad every time she's in front of me. Har baar, she's always upset. You could see it on her face. But you do know that, Divya, it's not okay for a man to step on you at any moment. You're too special. You're too nice. I am. You're so beautiful. He does make me feel special. ऐसा कोई बात नहीं है. And जो निबी के साथ share करता है वो काफी अलग है. That is friendship. And जो वो मेरे साथ share करते हैं, that is quite different. That is love. तो वो बहुत अलग है. And then it's just for attaining those powers. और कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का. So you guys got your game figured out. He will continue moving ahead with her. It's not really game. It's just about friendship. And I believe that friendship is something that you can always take forward. प्यार तो अपनी जगह रहेगा ही, but अगर आप अपनी दोस्ती निभा सकते हो, तो फिर अपने प्यार को और ज़्यादा अच्छे से निभा पाओगे. That's it. I hope that's the case. अक्षता और सिद्धार्थ, आपको एक लड़के और एक लड़की को सेव करना है. कौन है वो? जब I'm taking the call for the guy and she's taking call for the girl. जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से आई फील यहाँ पे दिव्या सबसे ज़्यादा अनसेफ है. आई नो इट फॉर श्योर. सो दिव्या मैं आपको सेव करना चाहूँगी. सिद्धार्थ, which boy would you like to save today? Ripu. क्योंकि मुझे इसी का doubtful है कि आज शायद ये घर जा सकता है. बाकी मुझे और किसी लड़की का लगता नहीं जिसको मैं save करना चाहता हूँ. So for the rest of you splits villains, आप लोग एक couple का name लिखना है that you'd like to see in front of the Oracle. आप सब अपने क्यू कार्ड पे किसी भी एक स्प्लिट विलन का नाम लिख सकते हैं, लड़का या लड़की. अगर आप एक आइडियल मैच बन गए
तो जिसका भी नाम आपने लिखा होगा वो इस डोम से और स्प्लिट्सविला से वापस घर। ऑलराइट, कैन वी हैव द क्यू कार्ड्स? Who do you want us to start with? Priyank. मैंने काफी सोच समझ के ये वोट दिया है। मुझे लगता है ये दोनों के दोनों बहुत डिजर्विंग हैं। डे वन से ही चले आ रहे हैं एक दूसरे के कनेक्शन लेके और माय वोट गोज टू आकाश एंड रितु। थैंक यू। आकाश एंड रितु वन। अनीत किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैडी से, मोहित से और अनमोल से, नैना से। मैडी अनीता नलीचा एक्सपेक्ट किया था और मिला। आप कोई ऑब्वियस है आपके लिए कि यहाँ से तो आएंगे ही आएंगे? प्रियांक वाज नॉट एक्सपेक्टेड, हाफ हाफ था, बट और नैना अलीशा एंड हनी। नचिकेत हनी देन अलीशा। थैंक यू। अनमोल सो मैंने हनीत और अलीशा के लिए वोट किया है। थैंक यू सो मच। चार दिव्या। ये हनीत और अलीशा के लिए है। बिकॉज हनीत मुझे कल से तंग कर रहा है एंड ऋतु के पास मैं आई थी बहुत इंटेंस बात करने के, तू किसका नाम लिख रही है, तो उसका आइडिया बहुत अनक्लियर था एंड मुझे अनसेफ लग रहा था। कैन आई से समथिंग? आई फॉट विद ऋतु ओवर योर नेम। यस, आकाश, आई हर टास्क जीते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। ऋतु तुम्हारा एटीट्यूड अभी देखो जो कैसे बात कर रही हो। आकाश का एटीट्यूड देखो कैसे बात कर रही हो। शायद इसीलिए मुझे अभी लग रहा है कि शायद आपका मेरे साथ टर्म्स अच्छा, आप मेरे से बात करते हो। आकाश के साथ बहुत अच्छा है। अगर अकेला आकाश जा रहा होता ना आगे तो मैं आकाश का नाम लिख देती, बट ऋतु आई एम वेरी अनक्लियर अबाउट यू। ओके, थैंक यू। आकाश स्कोर है 5-1। अगर एक और इनके लिए आ जाता है तो इट्स गोना बी ओनली वन सर, आई बिलीव हमारे लिए एक ही वोट होगा। किससे होगा? वो प्रियांका का ही वोट है, वही रहेगा। तो वही रहेगा, किसी और से होप नहीं है? नहीं, नो, ईशा, या मैं शो ईशा। सो आई वोटेड फॉर अलीशा एंड हनीत। मोहित अलीशा एंड हनीत। अलीशा एंड हनीत। निभि मेरा वोट है अलीशा और हनीत के लिए। रिपु सो हनीत एंड अलीशा। स्टार्टिंग से आकाश और ऋतु एक साथ हैं और सब बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग कपल हैं, स्ट्रॉन्ग कपल हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो इधर आए और उनको इतनी पावर्स मिल जाए। एग्जैक्टली, पर अनीत और अलीशा जो हैं सर, उनको पावर्स मिल जाएंगी तो आपका फिर भी ठीक है। मैं बनना चाहता हूँ सर पहले, ऑब्वियसली इधर शो पे आया हूँ तो मेरे को बनना है पहले। किसके साथ बनना है सर? आई थिंक दिव्या सर। व्हाट? अच्छा रिपु, योर फर्स्ट चॉइस वाज हु? अरे लिसन वन थिंग, जस्ट टेल मी हू इज, जस्ट टेल मी हू इज योर फर्स्ट चॉइस। आई डोंट नो, मैंने तुमसे बात करना था, मैंने क्या बोला था? मैंने तुमसे बात करना था, मैंने क्या बोला था? जस्ट टेल मी योर फर्स्ट चॉइस रिपु। अब क्लियर बताओ। या आई विल प्ले विद यू। यू सॉर्ट इट डन। या यू डोंट हैव क्लैरिटी। आई जस्ट वांट थिंग्स टू बी क्लियर फॉर मी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक कनेक्शन बनाना जरूरी है इस गेम में एंड एटलीस्ट आई शुड नो कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दिव्या है तो आई डू नॉट वेस्ट मोर टाइम, बिकॉज़ इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नैना थी एंड आई हैव वेस्टेड टाइम आउट हियर। You knew it, but already before wasting time. He told me he'll perform with me, Naina. Performing and coming in front of the Oracle are two different things. You need to understand that. आज बताया Naina, अभी बताया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चिल्ला रही है, बसीर बता दो, at least tell now. मैं जब खत्म कर रहा हूँ चीजों को, why are you starting things again? Steffi, yeah, I am disappointed in myself. Right okay, now. So listen, he's telling me that I'm his connection. I feel hurt right now. I have performed with him. I worked hard out here. He's now telling me Divya is his first. It's okay. I am glad. Please go with her. What I'm telling you, please mere samne ye clear kar do ki at least main Nachiket ke saath hi, but at least game mein aage badhne ki koshish to karu. At least mera dimag mein to clear ho.
ठीक है, अब बसीर मेरी आइडियल मैच है, he doesn't want to go with me, मैं नचिकेत के साथ परफॉर्म करके सेफ तो रहूंगी यार। Today you had a choice. You could have said Ripu. You did. You wanted Basir. Basir changed his mind because Naina बाद में वो बहुत upset हो गई कि अरे Oracle के साथ perform ठीक है, Oracle के सामने जाएंगे। So हर जैसे कि हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि जो भी आपका action है, उसी का reaction होगा, right? But at least अब मैं clear हूँ। Very good. Haneet and Alisha. Guess who's going in front of the Oracle? आज हनीत और अलीशा का जो वोट है वो रिवील नहीं करा जाएगा, पहले ये देखेंगे whether they are an ideal match or not. If you're an ideal match, जिसका भी नाम लिखा है, they're going home. So हनीत and Alisha, please see if you are an ideal match in front of the Oracle. Congratulations. Best of luck. Finally, वो टाइम आ गया था। मैं अलीशा के साथ ओरेकल के आगे जाऊंगा। हनीत ने साफ साफ बोल दिया था मुझे कि अगर तुम और मैं आइडियल मैच नहीं बने तो मैं शो छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे किसी और के साथ कनेक्शन बन ही नहीं सकता। हम दोनों ने उसके हाथ बहुत टाइटली पकड़ा था, हम लोग नर्वस थे ऑब्वियसली, बट बहुत एक्साइटेड थे। Alisha, please ask the Oracle if you are an ideal match. Oracle, would you tell me if you are an ideal match or not? If you are not, then keep your mouth closed. और अलीशा आप एक आइडियल मैच हो। Congratulations! एक और आइडियल मैच। अगर नहीं होता तो क्या होता? मैं डंडा मारता। बहुत सारी पावर्स है तुम्हारे हाथ में। हाँ। और सबसे पहली पावर ये है कि जिसका भी नाम इन्होंने उस क्यू कार्ड पे लिखा है, वो लड़का या लड़की अभी इसी वक्त स्प्लिट्सविला से वापस घर जा रहा है। Will you please reveal who's written on the card? Isha. What? Whoa. What? 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 Because I just feel like that she wasn't really enjoying her time here. So maine chahti ki she continues in the game. Agar wo pure dil aur dimag se is game mein nahi hai. Aapko jana tha yahan se? Haan. Kyun? Because Maddie and Ripu, you know,
जेन्युइन फ्रेंडशिप था वहाँ पे, बट देन उससे ज़्यादा कोई फीलिंग्स नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं था. माई वाइव्स आर नॉट मैचिंग विद एनीवनस वाइव्स हियर, और मैंने सबसे बात की है यहाँ पे. सो आई डोंट रियली बिलीव इन साइंस. अगर फीलिंग्स नहीं है सो देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग आउट हियर. ईशा, वी आर गोना मिस यू. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. बाय. तो रक्षिता, आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है, बिकॉज सिर्फ एक नहीं अब दो आइडियल मैचेस हो चुके हैं. हमें लग रहा था कि आप चीज बैलेंस होगी, क्योंकि ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे, और जो एक तरफा गेम चल रहा था वो शायद चेंज हो. मुझे खुशी थी वैसे कि अलीशा हनीत हमारे साथ बैठने वाला है, बट पावर्स अभी डिवाइड होंगी. सब कुछ हम लोग अभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते. हमारा गेम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो सकता है. तुमने मुझे पावर दे दिया है तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा. मैं दूसरों की भी सुनूंगा, बट करूँगा वो जो मेरा मन करता है.